लाइसोसोम जो है झांक के देखेगा, ओ ये क्या हुई हो, तब लाइसोसोम को उन पे दया आ जाएगा। अब देखिए कोशिका के बाहर जो है चलने के लिए, गमन करने के लिए जो सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। जो सीलिया होता है वो कोशिका के जो ये बड़े बड़े, देखिए ये रोम के टाइप के जो निकले हुए हैं, यानी कि ये बड़े बड़े ये सीलिया होता है। लेकिन जो छोटे छोटे हुए हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं धागे नुमा, ये फ्लैजेला होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये कोशिका का गमन करने के, मतलब कि जैसे कि कहीं भी कोशिकाएं जो जाती हैं, यानी कि जब ये कहीं कहीं की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, तो डेड होने के बाद में वहाँ का जगह तो पूरा खाली हो जाता है। जैसे कि आप कहीं पे चोट खा जाते हैं, वो पूरा काला हो जाता है। काला हो जाता है तो मान लीजिए वहाँ की कोशिका डेड हो गई। अब कोशिका डेड होगी तो जो आरी बगल की कोशिकाएँ रहेंगी, वो थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम जो है झांक के देखेगा, ओ ये क्या हुई हो, तो वो झांक के देखेगा ये क्या हुई हो, तो सब कोशिकाएँ धीरे धीरे सब में से लाइसोसोम जो है झांक के देखेगा, तब वो देखेगा ओह डेड हो गई है, मर गई है। तो वहाँ का जो कोशिका मरी रहेगी, डेड हो रहेगी, ब्लैक हो रहेगी, उसमें जो लाइसोसोम होगा वो भी मर जाएगा। तो वो देखेगा कि ओह डेड हो गई है, तो उसके बाद में वो कहे क्या कहेगा, सब कोशिकाओं को दया आ जाएगा उन पे, मतलब सब लाइसोसोम को उन पे दया आ जाएगा। चलो इसको हटाओ, ये तो डेड हो गई है, सड़ गए, अब यहाँ पे पड़ी रहेगी, धीरे धीरे सड़ने लगी और हम लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगी। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, सब कोशिकाएँ जितने भी आरी बगल की होंगी, सब कोशिकाएँ थोड़ा 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 जल अपघटक एंजाइम इस पर छिड़क देती हैं। तो यहाँ का जो ये कोशिका है पूरा, ये साफ हो जाता है। अब साफ हो जाता है, इसके बाद में इसकी जगह जो खाली बचता है उसको भरने के लिए कौन आएगा, तो ये कोशिकाएं जब वो विखंडन करती, यानी कि जो साइटोसोम होता है वो कोशिका विखंडन करता है, यानी कि नई कोशिकाएं बनाता है, तो कोशिका जब बनती है उसके बाद में वो कोशिका कैसे उस जगह से उस जगह ट्रांसफ़र होगी, वो इसी के कारण, मतलब सीलिया या फैजला के कारण ही वो कोशिका ट्रांसफ़र होती है, मतलब उस जगह पे जाके पहुँचती है। यानी कि ये कोशिका, ये गमन पा मतलब पैर है, कोशिका का पैर है जो चलने के काम आता है। ओके दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर करें, और इसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए अभी इसमें तो अभी ये शुरुआत है, अभी डीएनए को, ये जो डीएनए है, डीएनए को अभी इसको खोल के अभी इसमें बताएंगे, ग्वानीन एडेनोसिन और साइटोसिन कि चार अम्ल से मिलकर डीएनए बनता है जो पैतृक गुण को वाहक करता है, यानी कि अब पिता से पुत्र में जो गुण लेके जाता है वो पैतृक गुण को वाहन करता है, क्या डीएनए। अब इसको जब खोलेंगे तो इसमें निकलेगा जो है जीन्स निकलेगा, और साइटो मतलब डीएनए निकलेगा, और आरएनए निकलेगा, आरएनए में फिर डीएनए में आरएनए में फिर विभाजन होगा, अर्धसूत्री और द्विसूत्री, और इसके बाद में ऐसे अभी बहुत बहुत सारे, अभी न्यूक्लियस ही अभी कहाँ पूरे पड़े हो, अभी न्यूक्लियस तो पूरा ही बाकी है। ओके दोस्तों, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।